हेलो और वेलकम फ्रेंड्स। 402 कोर्स क्लास 10 से बिलोंग करता है सीबीएसई के यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के, और इसका टाइम टेबल जारी हो चुका है यानी सीबीएसई का टाइम टेबल 2021 का जारी हो चुका है जो कुछ इस तरह का है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं, ये सीबीएसई के लिए टाइम टेबल जारी हुआ है क्लास 10 के लिए। अब 12th के लिए भी जारी हो चुका है, क्लास 10th के लिए भी हो चुका है। तो ये क्लास 10th में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है क्योंकि 402 कोर्स यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये देखिए, ये टाइम टेबल है और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 087 कोड है सोशल साइंस का, फिर यहाँ पे साइंस है, होम साइंस है, यहाँ 165 तो दिख रहा है कंप्यूटर एप्लीकेशन का, लेकिन 402 कोड नहीं दिख रहा है। तो आप लोग घबराइए मत, मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ क्या आपको करना है। देखिए यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है ना, ये पढ़िए आप। नीचे इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, डेट शीट ऑफ माइनर सब्जेक्ट विल बी प्रोवाइडेड टू द स्कूल सेपरेटली। यहाँ पे लिखा हुआ है डेट शीट ऑफ माइनर सब्जेक्ट विल बी प्रोवाइडेड टू द स्कूल सेपरेटली। तो आप स्कूल से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कीजिए और वहां पर आपको डेट शीट मिल जाएगी। जो आपका 402 कोड यहाँ पे नहीं डिसअपियर है वो आपको स्कूल से मिल जाएगा, और स्कूल से आप कॉन्टेक्ट में रहिए और वहां पर आपको ये चीजें मिल जाएंगी। तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, 402 कोड लिया है तो बहुत अच्छा है, और आप स्कूल से कॉन्टेक्ट कीजिए जिस स्कूल से आपका फॉर्म भरा गया है और वहां पर वो चीजें आपको मिल जाएंगी। दूसरी बात समझ लेते हैं यहाँ पर। दूसरी बात ये है कि जो 402 कोड है वो यहाँ मेंशन ना होने के पीछे कारण क्या है। 165 तो मेंशन है, 402 नहीं मेंशन है। 402 एक माइनर सब्जेक्ट है, कहने का ये मतलब है कि 402 कोड आपके फायदे के लिए बना हुआ है। अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, सपोज कीजिए हाई स्कूल में किसी सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं और कंप्यूटर साइंस में पास है और 402 कोड आपने ले रखा है तो आपको पास ही माना जाएगा। तो इसीलिए इसे माइनर सब्जेक्ट में रखा गया है, समझ रहे हैं। यानी कि अगर फेल हो गए तो कोई बात नहीं, अन्य सब्जेक्ट में आप पास हैं तो ठीक है, और अगर पास हो गए और किसी एक सब्जेक्ट में फेल है तो भी कोई बात नहीं है क्योंकि कंप्यूटर साइंस में आप पास हैं तो आपको पास ही माना जाएगा, और सारे सब्जेक्ट में पास हैं तो आपका वैसे ही फायदा है, ठीक है। तो ये मतलब होता है माइनर सब्जेक्ट का। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कंफ्यूजन। थैंक यू।